वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है मूवीज और कैसे बने इतने बड़े बड़े एक्टर्स। अगर हम बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी एक हीरो के बल पर नहीं चलती है। आप भले ही अजय देवगन के फैन हो, शाहरुख खान के फैन हो, सलमान खान के फैन हो, अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना या अशोक कुमार या देवानंद, आप किसी के भी फैन हो, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री एक हीरो के बल पर नहीं चलती है। जैसे कि हम आपको बात करें, हम आज बात करेंगे 5 एक्टर्स के बारे में जिन्होंने कि अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना रखा है और उनके बल पर मूवीज 100 करोड़ भी, 500 करोड़ भी, 1000 करोड़ भी पार कर सकती है आने वाले टाइम में। अगर हम बात करें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन सिर्फ 5 एक्टर्स की बात करेंगे तो बात थोड़ी कम रह जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ इन 5 एक्टरों से नहीं, बहुत सारे एक्टरों से मिलकर बनी है। तो चलिए हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कि आपको हम बता देते हैं कि बॉलीवुड के हम आज सिर्फ टॉप 5 एक्टर्स की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस वीडियो को देखना, अगर जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और थोड़ा सा पसंद आए तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, संजय दत्त, चंकी पांडे आए, गोविंदा आए आपके, और वहीं अगर हम बात करें अशोक कुमार जैसे, देवानंद जैसे, राजेश खन्ना जैसे, और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस। अगर एक्टर होंगे और एक्ट्रेसेस नहीं होंगी तो मूवी देखने में शायद मज़ा नहीं आता है। आप भले ही अजय देवगन के फैन हो या सलमान खान या शाहरुख खान या किसी भी हीरो के फैन हो, आपने हर एक्टर्स की मूवी ज़रूर देखी होगी। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं नाम लूँगा शाहरुख खान। शाहरुख खान की अगर हम बात करें कि शाहरुख खान ने बहुत सारी मूवीज़ की, और हम जो आपसे और भी एक्टर्स की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ये एपिसोड 1 है तो हम इसमें सिर्फ टॉप 5 के एक्टर्स चर्चा करके जल्दी ही इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में क्या किया? शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आए तो इन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक मूवीज़ की दी, और इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा याद करेगी। क्यों? परदेश जैसी हिट मूवी जिसने शायद ना देखी हो तो एक बार ज़रूर देखिए। कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, ओम शांति ओम जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ दे दी, और एक ऐसी मूवी रावण जिसका बजट अपरंपार दिया और लोगों को एक नई चीज़ दिखाई। शाहरुख खान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे इंडस्ट्री से, और शायद ही बॉलीवुड के जो भी फैंस होंगे, मूवीज़ देखने वाले, वो शाहरुख खान को कभी नहीं भुला पाएंगे, भले ही किसी के फैन हो। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर अजय देवगन की। अगर हम बात करें अजय देवगन की, अजय देवगन ने शुरुआत से लेकर अभी तक हमें कभी निराश नहीं किया। भले ही वो निराश हो गए हों, लेकिन हमारे लिए उन्होंने इंडस्ट्री में कोई कसर नहीं छोड़ी। फूल और कांटे से लेकर जिगर तक, जिगर से बात करें तो उन्होंने दिलवाले, ज़मीन, फूल और कांटे, और उसके बाद हमारी अभी हाल ही में और भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, टोटल धमाल रिलीज़ हुई, दे दे प्यार दे रिलीज़ हुई। मूवीज़ का नाम लेंगे तो शायद हमें मूवीज़ का नाम लेते ही बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अजय देवगन ने भी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम दिया है, जिसके नाम पर ही मूवीज़ चल जाती है। और अगर हम बात करें तो इन एक्टर्स की मूवीज़ 50 से 100 करोड़ के बजट से आजकल कम नहीं होती है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और इनकी मूवीज़ में अगर पीरियड ड्रामा मूवी है तो VFX लगेगा, अगर कॉमेडी मूवी है तो बहुत सारे एक्टर्स डालकर वो एक बहुत ही तड़केदार कॉमेडी मूवी बनाते हैं, जैसे कि गोलमाल 4।
अब हम बात करें एक और एक्टर अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री को क्या नहीं दिया, फाइट से लेकर हंसी तक सभी कुछ इंडस्ट्री को दिया और बहुत ही शानदार बड़ी बड़ी मूवीज की। सुहाग मूवी शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर हम बात करें खिलाड़ियों के खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर वन, वहीं हम बात करें हाल ही में बैडमैन रिलीज हुई, टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हुई, केसारी जैसी बड़ी मूवीज रिलीज हुई और उन्होंने इंडस्ट्री में एक छाप छोड़ दी। और आप किसी भी हीरो के फैन हो लेकिन शायद आपने इन मूवीज को जरूर देखा होगा और आपको इनकी मूवीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर हम बात करें एक और हीरो, सलमान खान। सलमान खान ने भी इंडस्ट्री को कम नाम नहीं दिया, इन्होंने भी एक से बढ़कर एक मूवीज की। और आपको एक बात मैं और बता दूं, आपके लिए जो भी मैं मूवीज के नाम बता रहा हूँ या आपके जो भी एक्टर्स हैं, हर एक्टर्स की चर्चा जरूर आपके लिए आएगी, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब हम बात करते हैं सलमान खान। सलमान खान ने इंडस्ट्री को वांटेड जैसी, तेरे नाम जैसी शानदार मूवीज दी। वहीं हम बात करें अभी जब भारत जैसी सुपरहिट मूवी दी और हम दिल दे चुके सनम, मैंने प्यार किया, और इनकी मूवीज को शायद कभी कोई नहीं भूल पाएगा और बॉलीवुड के चाहे जितने भी फैंस हो इन मूवीज को जरूर देखा होगा। वहीं एक और हमारे हीरो हैं आमिर खान। आमिर खान को इंडस्ट्री कैसे भूल जाएगी। अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान ने पुराने से लेके नए तक दमदार रोल दिए। गजनी, थ्री इडियट, धूम थ्री, पीके, दंगल, राजा हिंदुस्तानी, रंग दे बसंती, फना, तारे जमीन पर जैसी सुपर हिट मूवीज थी, ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो टॉप फाइव एक्टर्स हैं, क्या सिर्फ इनके बल पर इंडस्ट्री चलती है और आप सिर्फ इन एक हीरो के फैंस होने के नाते सिर्फ एक ही की मूवी देखते हैं। आपने भी सभी एक्टर्स की मूवी देखी होगी। अगर आपको कोई मूवी पसंद आती हो किसी एक्टर्स की या किसी भी एक्टर्स का कोई डायलॉग पसंद आता हो, प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखना। और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और अगर हमारी वीडियो आपको अपडेट होती रहे तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, तो आपके पास वीडियो भी अपडेट होती रहेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।